हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ, आज ये दिन रविवार का और हमेशा की तरह मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ 10 विभागों में बम्पर भर्तियां। जी हाँ, इस बार की जो 10 विभागों में बम्पर भर्तियां निकली हुई, इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को जो कोई भी वैकेंसी छूटे ना, कौन सी वैकेंसी चल रही है, कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कौन सी बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी है, इसकी जानकारी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए वन बाय वन मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो फर्स्ट वैकेंसी जो निकल के आ रही है वो है आप लोग की ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस। जी हाँ, ईस्टर्न रेलवे से आप लोग की निकल के आ रही है। ये है आप लोग की एग्जाम का नेम, अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2020। इसमें आप लोग की जो पोस्ट है वो फीटर की, वेल्डर की, कारपेंटर की, पेंटर की और मशीनिस्ट की आप लोग की यहाँ पे पोस्ट है। इसमें वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, 2792 आप लोग की वैकेंसी है। इसमें एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है वो 10th होनी चाहिए आप लोग की, 50% प्लस ITI होनी चाहिए, NCVT या फिर SCVT किसी से भी, या फिर हो आप लोग 8 प्लस ITI, NCVT, SCVT कोई फर्क आप लोग नहीं पड़ता, ठीक है। दोनों प्रकार के आप लोग की वैकेंसी है, 10th वालों के लिए भी और 8th वालों के लिए भी। एज जो इसमें रहने वाली है 15 से 24 साल एज में आप लोग को रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे कि आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब में दिया जाता है। फीस जो यहाँ पे रहने वाली है जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट को 100 रुपए पे करने, SC ST फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे कोई भी फी पे नहीं करनी। अप्लाई जो इसके 25 जून 2020 से हो रहे होंगे और ठीक है, इसमें आप लोग की जो लास्ट डेट रहने वाली 9 जुलाई 2020 रहने वाली है। एग्जाम जो इसमें मेरिट के बीच पे आप लोग का सिलेक्शन होने वाला, ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं और आप लोग की ऑल ओवर इंडिया से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है वो आप लोग की राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड से, और एग्जाम का नेम है आप लोग का RCFL रिक्रूटमेंट 2020। इसमें जो आप लोग की पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, असिस्टेंट की, ऑपरेटर की, ऑफिसर की और इंजीनियर की आप लोग की इसके अंतर्गत वैकेंसी है। वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, 393 आप लोग की इसमें वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी जो इसमें मांगी गई है BE, BTEC और BSc है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज जो इसमें रहने वाली है 18 से 25 साल एज में आप लोग को रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST OBC को 3 से 5 साल की यहाँ पे छूट मिलेगी। फीस जो यहाँ पे है आप लोग की जनरल ओबीसी EWS को 1000 रुपए और 700 रुपए कुछ पोस्टों के लिए, 1000 रुपए और कुछ पोस्टों के लिए यहाँ पे 700 रुपए आप लोग को पे करने। SC ST एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे कुछ भी पे नहीं करना। अप्लाई जो इसकी 29 जून 2020 से ऑनलाइन अप्लाई होंगे, तो जैसे इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा इसका वीडियो मैं आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। लास्ट डेट जो इसमें रहने वाली 15 जुलाई 2020 रहने वाली, एग्जाम के बारे में बताया नहीं गया। रिटर्न और इंटरव्यू के बेस पर आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है, ऑनलाइन अप्लाई होंगे और ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है वो SSC CPO। जी हाँ, ये पुरानी वैकेंसी है लेकिन अभी इसकी लास्ट डेट नहीं आई है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसलिए इस वैकेंसी को मैं दोबारा लेके आया हूं ताकि आप लोगों से कोई किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर सके। एग्जाम का नेम है आप लोग का सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2020। जी हाँ, SSC CPO के थ्रू आप लोग की सब इंस्पेक्टर की इसमें वैकेंसी है। पोस्ट जो इसमें आप लोग की है सब इंस्पेक्टर इन CAPF मीन CISF, CRPF, BSF, SSP, ITBP में आप लोग की जो है सब इंस्पेक्टर की यहाँ पे वैकेंसी निकलती है, और इसके अलावा दिल्ली पुलिस में भी आप लोग की सब इंस्पेक्टर की यहाँ से जो है भर्ती ली जाती है। वैकेंसी इसमें 1564 है। एलिजिबिलिटी जो इसमें आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, BA, BSc, BCom, BE, BTEC, MCA, MBA, BCA एक्सेट्रा, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग को मेरा वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें कि मैंने आप लोग को रिक्रूटमेंट और इसके ऑनलाइन अप्लाई की पूरी जानकारी दे रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस सभी वीडियोस के लिंक दे रखे हैं ताकि आप लोग वन बाय वन सभी वीडियोस देख सकें। एज जो इसमें रहने वाली है 20 से 25 साल 1/1/2021 को आप लोग की जो है एज काउंट की जाएगी। एज में आप लोग को छूट मिलेगा, जैसा कि SC ST OBC को 5 साल और 3 साल का मिलता है। फीस जो इसमें रहने वाली जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट को मात्र 100 रुपए पे करने, SC ST फीमेल एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे कुछ भी पे नहीं करना। अप्लाई जो इसके 17 जून 2020 से इसके ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं। लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली 16 जुलाई 2020 रहने वाली है, तो लास्ट डेट का आप लोग इंतजार न करें, लास्ट डेट से पहले ही आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए और ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो मैंने बनाया हुआ है। एग्जाम डेट जो इसमें आप लोग की सितंबर है, जिसमें कि आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है रिटर्न, फिजिकल, रिटर्न और मेडिकल के बीच पे। ऑनलाइन अप्लाई चल रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है वो है आप लोग की इंडियन रिजर्व बटालियन। जी हाँ, इंडियन रिजर्व बटालियन से आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है। ये एग्जाम है इसका आप लोग का IRBN रिक्रूटमेंट 2020। पोस्ट जो इसमें है आप लोग की कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। वैकेंसी इसमें 22 है। एलिजिबिलिटी यदि आप लोग 10+2 पास है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज जो इसमें आप लोग की मांगी गई है 18 से 37 साल एज में आप लोग को छूट मिलेगी, जैसा कि SC ST OBC को गवर्नमेंट जॉब में दिया जाता है 3 से 5 साल की। फीस जो इसमें आप लोग की कुछ भी नहीं लगेगी। अप्लाई डेट जो 22 जून 2020 से आप लोग के जो इसमें ऑफलाइन फॉर्म, जी आप लोग को फॉर्म अप्लाई करके भेजना है, लास्ट डेट इसकी 22 जुलाई 2020 रहने वाली।
तो लास्ट डेट का आप लोग इंतजार ना करें, लास्ट डेट से पहले ही आप लोग जो है फॉर्म सबमिट कर दें। एग्जाम डेट के बारे में बताया नहीं गया, फिजिकल और रिटन के बेस में आप लोग का सिलेक्शन होगा जैसा मैंने आप लोग को बताया। ऑफलाइन अप्लाई होंगे जी हाँ, आप लोग को फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है और उसको आप लोग को भेज देना है सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, रिक्रूटमेंट के बारे में यदि नहीं पता तो आप लोग वो वीडियो देख ले ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाए। इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं वो है आप लोग का लक्षद्वीप के लोग, लक्षद्वीप, दमनंदीप और दादर नगर हवेली के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है वो है आप लोग की इंडियन कोस्ट गार्ड जी, या इंडियन कोस्ट गार्ड से एग्जाम का नेम है आप लोग का इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2020। और पोस्ट जो इसमें आप लोग की है, ड्राइवर की पोस्ट है, कारपेंटर की पोस्ट है, पियोन की पोस्ट है, चौकीदार की पोस्ट है और ऑपरेटर की पोस्ट है। यहाँ पे वैकेंसी कम है लेकिन कोई नहीं, वैकेंसी नो है। इसमें आप लोग की एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है 10th प्लस, या तो आप लोग के पास एक्सपीरियंस हो या फिर आप लोग 10th प्लस ITI हो। तो पूरी जानकारी के लिए आप लोग को मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें मैंने आप लोग को पूरी डिटेल दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं। एज जो इसमें रहने वाली है 18 से 37 साल कुछ पोस्टों के लिए, और कुछ पोस्टों के लिए 18 से 30 साल। एज में आप लोग को छूट मिलेगी जैसा कि SC ST OBC को 3 से 5 साल की मिलती है। फीस जो इसमें आप लोग कुछ भी नहीं लगने वाली है। अप्लाई डेट जो है इसमें 27 जून 2020 से आप लोग जो है इसका फॉर्म भेज सकते हैं। जी हाँ, इसके भी ऑफलाइन अप्लाई हो रहे हैं। लास्ट डेट जो इसमें रहने वाली 26 जुलाई 2020, तो लास्ट डेट का आप लोग इंतजार ना करें। एग्जाम डेट के बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया, ऑफलाइन अप्लाई हो रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप लोग के पास एक्सपीरियंस है किसी भी पोस्ट पे तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए, या फिर आप लोगों ने ITI कर रखी है तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए। इसके बाद जो न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है वो आप लोग की राजस्थान पोस्ट ऑफिस से एग्जाम का नेम है आप लोग का GDS रिक्रूटमेंट 2020। पोस्ट है आप लोग की BPM, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की आप लोग की पोस्ट है। वैकेंसी इसमें 3,262, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप लोग 10th पास हैं, प्लस आप लोगों ने 60 दिन का कंप्यूटर कोर्स कर रखा है किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, या फिर इसके अलावा आप लोग के पास 10th में कंप्यूटर या फिर 12th में कंप्यूटर एक सब्जेक्ट रहा हो तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने इससे कोई हायर क्वालिफिकेशन ले रखी है उसमें आप लोग के पास कंप्यूटर है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज जो इसमें आप लोग के 18 से 40 साल है। फीस जो जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट को मात्र 100 रुपए देने, SC ST फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे कुछ भी पे नहीं करना है। अप्लाई जो है 20 जून 2020 से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई हो रही है। लास्ट डेट जो इसमें रहने वाली 21 जुलाई 2020 रहने वाली है। एग्जाम के बारे में बताया नहीं गया क्योंकि इसमें आप लोगों को जो है मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होता है। आप लोग के 10th में यदि आप लोग के मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं, 80 प्लस आप लोग के मार्क्स है तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए, आप लोग भी इसमें जॉब कर सकते हैं। जी ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी रिक्रूटमेंट का मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है वो आप लोग की उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से एग्जाम का नेम है आप लोग का UPPCL रिक्रूटमेंट 2020। पोस्ट इसमें आप लोग की टेक्नीशियन की और अकाउंट ऑफिसर की। टोटल वैकेंसी आप लोग की 638 है और एलिजिबिलिटी जो इसमें मांगी गई है 10th में आप लोग के 50% हो, प्लस आप लोगों ने ITI कर रखी हो NCVT या फिर SCVT से, या फिर आप लोगों ने कर रखा हो अकाउंट ऑफिसर के लिए CA CS ICW, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज जो इसमें आप लोग की 18 से 40 साल यदि आप लोग टेक्निकल के लिए भरते हैं, 21 से 40 साल यदि आप लोग अकाउंट ऑफिसर के लिए भरते हैं। एज में आप लोग को छूट मिलेगी यदि आप लोग यूपी के कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट है तो आप लोग को एज में यहाँ पे कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। फीस जो है यहाँ पे जनरल ओबीसी और अदर कैंडिडेट को, अदर स्टेट वालों को 1,000 रुपए देने हैं और SC ST UP वालों को 700 रुपए यहाँ पे देने हैं। अप्लाई डेट जो इसकी 17 जून 2020 से ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं। लास्ट डेट इसकी 16 जुलाई 2020 रहने वाली। तो यदि आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई कीजिए। इसकी रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी का वीडियो मैंने बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम डेट जो इसमें अगस्त में इसका जो एग्जाम फाइनल कर दिया गया, रिटर्न और इंटरव्यू की बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है वो आप लोग की हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से एग्जाम का नेम है आप लोग का HPSSSC रिक्रूटमेंट 2020। पोस्ट इसमें आप लोग की क्लर्क, असिस्टेंट ऑपरेटर और इंजीनियर की है। वैकेंसी 896 आप लोग की। एलिजिबिलिटी जो इसमें मांगी गई है 10th पास हो, या फिर आप लोग 10th प्लस ITI हो, या फिर आप लोग 12th हो, या फिर डिप्लोमा हो, सभी के लिए इसमें वैकेंसी है। एज जो इसमें आप लोग 18 से 45 साल है। एज में आप लोगों को रिलेक्शन मिलेगा जैसा कि SC ST OBC को 3 से 5 साल का मिलता है। फीस जो इसमें आप लोग जनरल EWS को 360 रुपए, SC ST OBC को 150 रुपए, फीमेल और एक्स कैंडिडेट को यहाँ पे फ्री है, कोई फी पे नहीं करनी। अप्लाई डेट जो इसकी 22 जून 2020 से ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। लास्ट डेट 21 जुलाई 2020 रहने वाली। एग्जाम के बारे में बताया नहीं गया, रिटर्न एग्जाम के बेस पर आप लोग सिलेक्शन होने वाला। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। हिमाचल के कैंडिडेट जिनका मूल निवास हिमाचल हो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने 10th या 12th हिमाचल से कर रखी है तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है सैनिक स्कूल कपूरथला से निकल के आ रही है। जी हाँ, सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब। एग्जाम का नेम है आप लोग का TET रिक्रूटमेंट 2020। पोस्ट है आप लोग की TGT
कंप्यूटर साइंस में या फिर आप लोग टीजीटी पंजाबी लैब टेक्नीशियन की यहाँ पे वैकेंसी है, तीन वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी इसमें मांगी गई या तो आप लोग ट्वेल्थ पास हो या फिर आप लोग बीए हो या फिर आप लोग बीई बीटेक एमसीए एमएससी या फिर आप लोगों ने कर रखा डॉएक बी लेवल कोर्स यहाँ पे टीजीटी कंप्यूटर के लिए। जी हाँ, एज इसमें रहने वाली है 21 से 35 साल, एज में आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा। फीस जो इसमें जनरल ओबीसी 500 रुपए, एससी एसटी को 250 रुपए, यहाँ पे एक डिमांड ड्राफ्ट से आप लोगों को पेमेंट करनी क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन अप्लाई करना है आप लोग को। अप्लाई डेट 20 जून 2020 है और लास्ट डेट इसकी 18 जुलाई 2020 रहने वाली है। एग्जाम के बारे में बताया नहीं कि रिटर्न और इंटरव्यू बेस आप लोग सिलेक्शन है, ऑफलाइन अप्लाई हो रहे हैं या फिर यदि आप लोग ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते तो आप लोग यहाँ पे मेल कर सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म को। और जो फीस है यहाँ पे आप लोग को इनके अकाउंट में जमा करनी, ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोग को इसकी पूरी जानकारी लेनी है तो आप लोग मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है। इसके बाद जो न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है वो आप लोग की ECHS, जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है ये। और एग्जाम का नेम है आप लोग का ECHS रिक्रूटमेंट 2020 पोस्ट है आप लोग की, कलर की, चपरासी की, चौकीदार, सफाई वाला, ड्राइवर की। वैकेंसी इसमें आप लोग की 55 है। एलिजिबिलिटी इसमें मांगी गई यदि आप लोग 8th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन, GNM, डिप्लोमा कर रखा है आप लोगों ने, इनमें से कुछ भी कर रखा है आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सभी पोस्टों के लिए यहाँ पे आप लोग को एक्सपीरियंस भी चाहिए, ओनली दो पोस्टों को छोड़कर, चपरासी और चौकीदार के लिए। जी हाँ, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोग को पूरी जानकारी लेनी है तो आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं, जी हाँ, उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है। एज जो इसमें रहने वाली है 18 से 55 साल, एज में आप लोग को रिलैक्सेशन मिलेगा। फीस जो इसमें आप लोग कुछ भी नहीं लगेगी। अप्लाई डेट 20 जून 2020 से इसकी ऑनलाइन ऑफलाइन अप्लाई हो रही है, लास्ट डेट इसकी 4 जुलाई 2020 रहने वाली। एग्जाम के बारे में बताया नहीं गया, ओनली इंटरव्यू बेस पे आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन है, ऑफलाइन अप्लाई है। जी हाँ, ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है इस बार की, जो आप लोग की 10 वैकेंसियां चल रही हैं, इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आने वाली वैकेंसियों की जानकारी आने वाले वीडियोज में मैं आप लोग को देता रहूंगा, बट अभी जाने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाला बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज मैं आप लोग के लिए लाता रहूं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।